असल आप देख रहे हैं दुनिया टेट मालिक लगता है पूरे मुल्क में हर कोई एक तशद की राह पर चल पड़ा है हफ्ते वाले दिन अजीब जबरदस्त ठुकाई की पंजाब गवर्नर ने पी टी आई के लोगों की वो एहतजाज रहे थे कि जी जो जमन खबात है इसमें धांधली हुई है खासतौर पर पी पी वन फिफ्टी लाहौर के अंदर फिर हम देखते हैं तालिबान को पूरे मुल्क में हमें मार रहे हैं भक्कर में जो इतना मजहबी तंजीमें हैं वो एक दूसरे को मार रही हैं आज बलोचिस्तान के अंदर एक वीडियो दिखाने के ऊपर बलोचि गवर्नमेंट है उसने चैनल के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया क्या बर्दाश्त खत्म होती जा रही है गवर्नमेंट की क्या महीने के बाद अगर लाहौर में भी लोगों को मार रही है और में इनकी एलाइड गवर्नमेंट जो सी है वो मीडिया पर मुकदमे दर्ज कर रही है पी टी आई आगे से मीडिया वालों को मार रही है क्या सब ये पागलपन क्या है क्या सबके दिमाग को ताकत चढ़ गई है पीटीआई को पिशार की पी एम एल एन को पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की और बाकी जो तालिबान हैं दूसरे उनको तो पहले ही अपनी ताकत का नशा है इस पर हम बात करेंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर परवेज़ रशीद साहब मुझे लाहौर में ज्वाइन कर रही हैं पी टी आई की मरकजी रहनुमा अंदलीप्बास साहिबा और इनको तो दबा के सैटरडे को आपने इनके वीडियोज़ भी देखे होंगे डब्बों के अंदर फेंका गया पुलिस वैन्स के अंदर और काफ़ी इन पे साथ बुरा सलूक किया गया और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शजील मेमन साहब जो वजी तथ सिंध हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनम हैं प्रोफेसर वैसे तो आप सबसे सीनियर हैं लेकिन मैं जरा विक्टम पार्टी से एक सेकेंड शुरू कर लूँ फिर होता है अनदिलीप क्या हुआ वेरी क्विकली और आज भी आप लोगों ने तकरीबन छत्तीस इजला के अंदर डिमॉन्सट्रेशन की और इलेक्शन कमीशन ने भी आई नोटिस ले लिया है मेरा ख्याल है सड़कों पर आके इलेक्शन कमीशन सुनता है आपके साथ क्या हुआ या आप लो, और आपने लोगों ने मीडिया के साथ भी क्या किया जो मीडिया के साथ बाकी हो रहा है वो तो हम इंफॉमेशन मिनिस्टर से पूछेंगे Uh, इसमें मालिक uh, uh, जो उस दिन हुआ वो तो मैं मैंने uh, सात साल आठ साल हो गए हैं चीफ जस्टिस की मूवमेंट से उसी जगह आते हुए और उसी जगह प्रोटेस्ट करते हाइड पार्क कॉर्नर है वो हमारा हम आते हैं सामने असेंबली होती है इधर गवर्नर हाउस होता है आप आवाम की अदालत में आते हैं आवाज़ बुलंद करते हैं रजिस्टर कराते हैं चले जाते हैं जब जब मैं आई थी मैं सबसे पहले आ गई बिकॉज मैंने कुछ इंतजाम करने थे मैंने जिंदगी में इतनी पुलिस और पुलिस की गाड़ियां नहीं देखी वो टू बाई टू ए स्क्वेयर जो पेवमेंट है वहां और साथ थोड़ा सा घास है और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी यहाँ से निकल जाएं और आप शादी मंजिल पे खड़ी हो जाएं मैं वहाँ चली गई उसके बाद हमारा कैंडिडेट आया उसके हाथ में दो प्लेक कार्ड्स थे और काश के यही पुलिस और यही सारी चीज़ें इस्लामाबाद में होती सिकंदर के ऊपर जो कि दो क्लैशनिक ऑफ ले के और ट्रिगर हैप्पी था और इतनी पुलिस एफिशिएंट होती तो शायद वो दहशतगर्दी के खिलाफ इतना कारनामा ना होता जितना उन्होंने हमारे खिलाफ किया कि हमारे प्लेक कार्ड छीन के उसको मारा उसके बाद मैं वहाँ गई उन्होंने मुझे धक्के दिए और फिर वो जो पुलिस कौ थी कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल थी उसको कहा जी इनको ले जाएं और हमारे साथ वो एक बेचारी खातून थी जो नौशी महराज है वो जा रही थी फ्लड रिलीफ के लिए कामों की उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ रुकी हूं सिर्फ मैं तो हूं भी, भी नहीं मुझे और उनको जनाब उन वो उनको घसीट के वहां ले ले जाया गया जमीन पे घसीट के लेके गई और थाने ले गई उसके बाद थाने में एक अजीब सा गुड कॉप बॉप क्या पुलिस मुझे बताएं दिलीप क्या पुलिस पहले से माइंड बना के बैठी हुई थी क्या आप लोगों की ठुकाई करनी है उन्होंने देखिए मैं ये मैं मैंने आते ही फोन किया था अपनी बाकी लोगों को मैंने कहा जी आज आई डोंट सी देयर इज एन एग्रेशन अग्रेशन है जो हम जैसे हम जैसे सारे सारी पार्टीज वहां आती हैं और अपना रजिस्टर करती हैं और चले जाते हैं ना हमने रोड ब्लॉक की ना हमने कोई चीज तोड़ी और मैं तो खड़ी भी क्वींस रोड की तरफ हुई थी और मैं उनसे ये मीडिया वालों को क्यों किया वो भी आपने बी रोल्स दिखाते हैं जी जरा इनको जरा दिखाएं पहले पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया और इन लोगों ने क्या किया जरा पीटीआई से भी पूछे ना आप लोग भी तो शहजादे हो गए हैं एकदम साहब दिखाइए जरा जी जी दिखाए जरा फिर हम बलोचिस्तान पे भी आएंगे और बाकी ये दो और इम्पोर्टेंट बातें भी करेंगे जी अंदीप इन आप बताइए मुझे अब आप ये आज की जस्टिफाई कैसे करते हैं आप जी लोग? जी, मैं वहां थी बिल्कुल बिल्कुल आराम से सारा धरना हो रहा था और पहले तो मैं कंटेम करती हूँ मुजम्मत करती हूँ जिसने भी ये किया उसको बिल्कुल पकड़ना चाहिए उसको सजा मिलनी चाहिए और हमारी क्यादत भी गई उस कैमरामैन के पास हॉस्पिटल में जहां वो इंजर्ड था और हमने कहा कि इसकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बताती हूं ये सारे खड़े थे ये वीडियोस ले रहे थे पीछे से एक लड़का जो कि मोटरसाइकिल पर आया और उसके हाथ में एक डंडा था जो हमारे उसने कहा कि जी हमारा फ्लैग है उसने मारा और उसके बाद वो गायब हो गया दो चीजें बताएं आपने दुख भरी दास्तान तो चल रही है प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को कि लोगों को डिमॉन्सट्रेट करने में पहले आपको याद है मेरे इंटरव्यू में भी बात हुई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब कहा शहबाज शरीफ साहब को कि सदर को ज़्यादा बातें ना किया करें सदर मान लिया करें थोड़ा बहुत लिहाज कह लिया करें क्या हो गया आप लोगों के दो महीने बाद आपने बिल्कुल इख्ताफ की नहीं रही वही नाइनटीज़ वाली पी एम एल आने आ गई हमारा तो ख्याल तो बदल गई है की एक पूरी पिक्चर जो है वो हमें अपने लोगों तक ज़रूर दिखानी चाहिए चीफ़ मिनिस्टर शबाज़ शरीफ साहब ने तो जैसे ही उनके इलम में ये वाक़ आया उन्होंने फ़ौर हुक्म जारी किया कि तमाम लोगों को फिल फोर रिहा कर दिया जाए और विदिन मिनट्स उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया तो इसलिए ये नहीं आप ब्लेम कर सकते कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया इंतजामिया ने जो कुछ किया और जो कुछ हमने स्क्रीन पर देखा उसको किसी ने भी अप्रीशिएट नहीं किया ये भी पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि इंतजामिया के किसी किए वाक़े के ऊपर खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो उसे रिवर्स कर दे पहले ऐसा नहीं हुआ मेरी यार सुन मुझे बात मुकम्मल कर लूँ जो कुछ हुआ पहले उससे तो हम तस्लीम करें ना ठीक है पहले तो ये हुआ कि इंतजामिया ने एक कदम उठाया उस पर मैं गुफ्तगु करूंगा कि इंतजामिया को क्यों ये कदम उठाना पड़ा लेकिन चीफ मिनिस्टर ने फौरन उसको रिवर्स किया और लोगों को रिहाई मिल गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने पंजाब हुकूमत से भी ये कहा कि एहतजाज करने का हक जो है लोगों का उसे हम तस्लीम करना चाहिए और उसे बर्दाश्त करना चाहिए यह भी पाकिस्तान में पहले नहीं होता था बल्कि हेड ऑफ़ दीट जो हैं वो इंतजामिया के इस तरह के इकदाम में मजीद अजाफा करने का भी सबब बन जाते होते थे तो ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है कि वजी अजम भी उस चीज को नापसंदीदगी से देखते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उस काम को इमरान खान का नया पाकिस्तान है आपका तब्दीलशुदा पाकिस्तान जी, जी, है हमें हाँ, नहीं पता लग रहा पाकिस्तान तब्दील हो गया आपको और पीटीआई को मालिक साहब आपको इसलिए पता लगना चाहिए कि पहले प्राइम मिनिस्टर इस तरह के इकदाम की मजम्मत नहीं करते थे। तो इस, इस, तरह होती इस तरह के प्राइम मिनिस्टर जी मैं आप बताता तो। हूँ अब एक्शन का जहाँ तक तलक है आपको हमने इंतजामिया ने बार बार दरखास्त की थी तहरीक इंसाफ़ से कि माल रोड के ऊपर एहत मे करने पर पाबंदी आये है और ये पाबंदी भी हकूमत नेद नहीं की हाईकोर्ट ने यह पाबंदी आयद की है अब अगर हाईकोर्ट के अहकाम की तामील ना की जाए तो वो भी कानून से बाहर जाने वाली बात है इंतज़ामिया के लिए मुश्किल ये थी कि उन्हें हाईकोर्ट के अहकाम जो हैं उन पर भी अमल दरामद कराना है लोगों का एहतजाज करने का हक जो है उसे भी तस्लीम करना है लिहाजा इंतज़ामिया ने इनसे ये कहा था कि आप बर मेहरबानी लाहौर के किसी हिस्से में चले जाएँ और चल के आप एहत करें हम आपको पूरा तहफ़ देंगे और आज वही हुआ कि तहरीक इंसाफ ने माल रोड के बजाय एहताज के लिए प्रेस क्लब के सामने जगह को मुंतब किया वहां पर कोई पाबंदी नहीं है और उनके उस एतजाज में किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की लिहाजा मैं आपको दोबारा यकीन दिलाता हूँ भी जिसमें कानून की हदूद को नहीं छेड़ा जाएगा उसको मुकम्मल तहफ दिया जाएगा लेकिन मैं, जिस तरह साहब तरीके से औरतों को मारा गया पीटा गया मालिक साहब मैं तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसे कोई भी पसंद नहीं करता उसे मैं भी पसंद नहीं करता उसे चीफ मिनिस्टर ने पसंद नहीं किया

ज्यादा रेजिडेंसी को तहफ़ दे नहीं सकी आपकी और आपके अलाइस की हुकूमत और एक टेलीविजन चैनल को दिखाने पर वहाँ हुआ क्या है उस पर सारा मलबा डाल दिया आपकी हुकूमतों ने ये कहाँ कहाबाई हुकूमत ने अपने इनिशियटिव पर नहीं किया वहाँ पे भी बलूचितान हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है सूबाई हुकूमत को कि यह मुकदमा दर्ज किया जाए और अदालतों के हुक्म की तामील करनी पड़ती है अदालत बलोचिस्तान कोर्ट ने हुक्म एक दिया उस उसकम की तामील की गई है तफसीलात यकीनन इसकी मालूम करनी चाहिए और इसमें जो भी कोई रास्ता ऐसा निकल सके जिसमें हाई कोर्ट के अहकाम की तामील भी हो लेकिन जो मीडिया की आज़ादी है वो भी मजरूर सर मैं तो शजीव नमन साहब को गुस्तूँ में शामिल कर लूँ शजीव साहब क्या आपके ख्याल में इतना सिंपल इशू है कि ये हाई कोर्ट के कहने पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ये मुकदमा दर्ज कर दिया और दूसरा बड़ी जबरदस्त क्यामत की निशानी है बड़ी मोहब्बतें बढ़ रही हैं और आपके सदर के बारे में वो कहते थे कि जी इनसे बड़ा जो है वो क्रुक नहीं है इनसे बड़ा कोई बद्यानत आदमी नहीं है तो बड़ी मोहब्बतें आपकी भी और पीटीआई की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुक्रिया मालिक साहब सबसे पहले तो आज जिस तरह ए आर वाई चैनल के मालकान के ऊपर केस दाखिल किया गया है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने अपने इंटरव्यो में कहा कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि जारत रेजिडेंसी की हिफाजत करना वो शायद उसमें नाकाम गए और उसी का नज़ला जो है वो गिराने की कोशिश की गई है दूसरे नंबर दूसरे नंबर मालिक साहब मैं समझता हूँ कि बलुचस्तान हुकूमत ने अपनी जो भी नााहलियाँ थी उसको छुपाने के लिए पूरा नज़ला मीडिया पे गिराया और यही इस तरह की कोई कोशिश दो चार दिन पहले भी हुई थी कि पैमरा के इस तरह की बातें की गई कि को कोई कंट्रोल दे दिया जाए तमाम चैनल्स का कि किसी भी वक्त वो उसको ऑफेयर कर सकें खैर इन सारी चीज़ों के अलावा एक दो और चीज़ें जो आपने डिस्कस कि उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहली बात के जिस तरह पी टी आई के दोस्तों पर पंजाब में जो अटैक हुआ पुलिस का और पुलिस की जो मिसहैंडलिंग थी वो भी काबिल मजम्मत थी और जो आज जर्नलिस्ट के ऊपर जो पीटीआई की तरफ़ से हुआ है उसके वो भी मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है लेकिन सारी चीज़ों के अलावा आपने दीगर वाक्यात का जिक्र किया लेकिन जो कल पंजाब में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो मुजाहन मुजाह कर रहे थे उनके साथ जो पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब पुलिस ने किया है मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ जब इस आज से चंद दिन पहले जब हमारी गवर्नमेंट होती थी और उस वक्त जब मुजाहरे होते थे तब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब अच्छा, मुझे 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 थोड़ा सा अभी इस बात को आगे चलाते हैं मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेना है इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे नाजीर हमारे साथ रहेंगे इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो तालिबान रिलेटेड बातें भी होंगी हमारे साथ रहिएगा जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम मैं पहले आपको कहा था कि थोड़ी सी आपको फुटेज दिखाएंगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए फिर एक तो और बातें हमने कराची से भी करनी है मसलन पूरे मुल्क में जो हालात हैं क्या ये प्रायरिटी होनी चाहिए क्या यह गवर्नमेंट का बिहेवर होना चाहिए आज फारूक नायक साहब को जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ भी थे फिर एक्टिंग भी रहे चेयरमैन सेनेट उनका नोटिफिकेशन होता है एडवाइजर टू तो दिन चीफ मिनिस्टर ऑन लॉ एक घंटे बाद वो भी वापस विड्रॉ कर लिया जाता है बाकी भी हर तरफ लगता है एक एक एडॉक बेसिस पर सब कुछ चला लेकिन इसी चीजों पर जोर है लेकिन आप फुटेज देख लें ताकि अंदलीब अब्बास से अभी भी पूछ लें कि दोनों तशद में फ़र्क क्या है जी ये, ये आप जो मंजर देख रहे हैं इसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनको जरा सहाफत सिखाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ, के नाराज़ नौजवानों से और ये बात करने में मुझे पता है जो आज ट्विटर ट्रे, पर भी होगा बाद में जो ट्रोल्स करेंगे और इसके बाद हम वो फुटेज भी दे, आप देखेंगे स्क्रीन के एक साइड पर चलती रहेगी जिसमें पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो सियासत सिखा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुल्क की क्या प्रायरिटीज हैं क्या ये हम बर्दाश्त में हैं बजाय इसके है कि हम मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों से लड़ें हम तालिबान से लड़ें हम उन लोगों से लड़ें जिन्होंने बलोचिस्तान में आग जलाई हुई है परवेज रशीद साहब ये जो फुटेज तो चलती रहेगी ये तो आ, आप देख रहे हैं मुझे अब ये पता प्रायरिटीज क्या है जो सिंध में हो रहा है वो भी अभी शजील से पूछेंगे नोटिफिकेशन हो रहा है घंटे बाद विद्रॉ हो रहा है आप लोगों का एक वजीर उठ के कह देता है कि फौज और सिविलियंस एक पेज पर पे नहीं है फिर आपको वजाहत देनी पड़ती है कि नहीं नहीं जाती ख्याल है मालिक पहले तो बात मुकम्मल होनी चाहिए देखिए पुलिस ने इंतजामिया ने ऐसा रवैया अख्तियार किया जो कि नापसंदीदा था गो के उन्हें हाई कोर्ट के अहकाम जो हैं उनकी तामील भी करानी थी ठीक तहरीक के कारकुनों ने आज एक ऐसा रवैया अख्तियार किया जो कि नापसंदीदा था लेकिन जो पॉजिटिव बात है जिसकी तरफ हमें जरूर जिसका जिक्र करना चाहिए कि बहरअल पाकिस्तानी सोसाइटी पहले के मुकाबले में अब एक शुदा सोसाइटी है जब पुलिस ने किया तो वजीर अजम ने उसको नापसंदीदगी से देखा चीफ मिनिस्टर ने अहकाम को वापस लिया तहरीक के जज्बाती कारकुनों ने जो रवैया अख्तियार किया खुद तहरीक इंसाफ की क्यादत ने मैंने उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है पंजाब असम्बली में उनका बयान पढ़ा उन्होंने उसको नापसंदीदगी से देखा और कहा कि हम अपने कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये एक बाहर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कुछ पाकिस्तान में पहले होता था वही कुछ होता है हो रहा है यकीन लेकिन उसको तब्दील करने वाली ताकतें और कुतें और उनको तब्दील करने की ख्वाहिश जो है इन कामों को अच्छी नजर से ना देखना जो है वो भी लोग मौजूद हैं और उनको भी हमें उनका भी जिक्र करना तो सक... चाहिए हमें सिर्फ इतना नहीं दिखाना चाहिए कि ये हुआ हमें यह भी दिखाना चाहिए कि यह कुछ हुआ लेकिन इन्हीं जमातों से तलक रखने वाली लीडरशिप जो है वो इसको नापसंद भी करती आप ताकि हमारे लोगों तक ये पैगाम जरूर जाए कि लीडरशिप ने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया और हम यही एक ऐसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं जो आपकी भी ख्वाहिश है मेरी भी ख्वाहिश है और बाकी हम सब की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ये मनाजर ना हो हमें ना देखने पड़े अंदरीब अगर आप परवेज रशीफ साहब की बातें सुना तो कैमलॉट याद आता है तो क्या है सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया किस बात की कंप्लेंट है आप लोगों को सब अच्छा है देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक ये अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो मैं तो उस दिन मैंने पूछती रही मैंने कहा जी आ, हमारा तो कसूर भी नहीं मैं तो पास खड़ी थी इन्होंने कहा जी हमें ऊपर से हुक्म है मैंने बाकायदा पूछा मैंने कहा जी ऊपर से हुक्म है ऊपर से क्या मुराद है उन्होंने ऊपर से इशारा किया मैंने कहा ये तो अल्लाह भी हो सकता है आप बताएं कहते हैं जी कौन है सब यहाँ सबसे ऊपर तो उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कह दिया कौन है सबसे यहाँ ऊपर तो उन्होंने कहा जी हमें सारा इल्जाम हम पुलिस पे आता है हम तो मजबूर हैं हम तो फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस तो ये बड़ी क्लियर बात वहां हुई थी कि किसके कहने पे ये किया गया और क्यों हुआ जहां तक दूसरी बात तो, है कि तशद नहीं होना चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए कोई इसमें दो डाउट ही नहीं है जहां हो उसको ना सिर्फ कंडेम करें उस पर एक्शन लें और उसकी रेपटेशन पे सख्त पे, पेनल्टी होनी चाहिए तो ये बात तो बिल्कुल जिसको कहते हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है सिर्फ बात ये है अच्छा मुझे एक चीज बताएं बताएं मुझे एक चीज बतायाज कर लेते हैं पी एम एल एन भी करती है बकर में कर्फ्यू लगा जो फिर वाराजी के ऊपर दस से ज्यादा लोग कतल हो गए उस पर ना आप निकले बाहर ना पी एम एल एन निकलती है जहाँ आम आदमी के मसले आप लोगों की भी पावर गेम्स चलती हैं ये ये प्रायरिटीज आप लोगों की भी तो हमें समझ नहीं आती आम लोगों की महंगाई पे हमें आपका धरना नजर नहीं आया एक पीपी पे आपका धरना नजर आ गया महंगाई पर नजर नहीं हमें आता हमें ये बिजली के ऊपर नजर नहीं आता हमें अवामी मसाइल पर नजर नहीं आता हमें सिर्फ पावर के मसाइल पर आप लोगों का भी नजर आता है मालिक आपको याद होगा जब बजट हुआ था उसके बाद हमने मुसलसल धरने किए थे और हमने कहा था कि इससे पनिशिंग बजट जो है वो नहीं आ सकता हमने महंगाई पे भी धरने किए हैं हमने लोड शेडिंग पे भी धरने किए हैं लोड शेडिंग पे आपने आज देखा कि जो धरना हुआ उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया तो यहां जो हुकूमत है ना वो आवाज बुलंद करने को पहले अपना एक्शन कर देती है उसके बाद उसमें ये, ये, ये वैसे साहब ये बात अभी शजील ने भी उठाई थी वापस हम उनके पास जाएंगे कि आप तो सब पे ही आप फैटियां लगाने पर उतर आए आपने जो बिजली वाले आए हैं बिजली आप उनको दिया नहीं आपने मार मार के उनकी भी साइडें छील दिया उनको क्यों इतना वायलेंट हो गया काम पाकिस्तान की तारीख में सत्रह हजार मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस नहीं की गई थी इस चीज की तो आप हमें दाद दें कि हमने सत्रह हजार मेगावाट बिजली जो है पाकिस्तान में प्रोड्यूस करके तो बारिश आ गई बारिश आ गया चल दिया मालिक साहब बारिशें तो हर साल होती थी क्या पिछले साल बारिशें नहीं हुई या उससे पिछले साल बारिश हुई उन बारिशों से तो क्यों। आपको हक दे दिया कि आप भी फेंटिया मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए कि जो चीज़ें बेहतर हुई हैं वो भी मौजूद हैं देखिए जब कोई कौमी इम, इमलाक को नुकसान पहुंचाएगा एक तरफ हम कहते हैं कि जी बिजली नहीं है दूसरी तरफ हम बिजली पैदा करने वाले दफ्तर पर हमला कर दें उसके साथ उस समान को तोड़ दो याद तोर है तोर जब आप अब अब जब मिया मियाँ साहब थे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब और फेडरल गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की तो कुछ जुलूसों की हमायत खुद शहबाज साहब ने भी की थी और कहा था कि बिल्कुल करे अगर आप वो फिर रूल क्यों चेंज हो गया बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ आप निकालिए मैं आपको शहबाज शरीफ साहब के डेढ़ दर्जन बयान निकाल के दिखा सकता हूँ उसी जमाने के जिसमें उन्होंने तशद की मजम्मत की हुई है और उन्होंने लोगों से बार बार ये कहा बींग ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने लोगों से बार बार ये कहा कि आपको एहताज का हक हाँ हासिल है लेकिन पुरमन एहत करें फिर इस हद तक उन्होंने कहा कि चूंकि लोग तशद करते हैं लिहाजा मैं खुद इस एहतजाज की ए قیادت करूंगा चल के ताकि लोगों को मैं त से रोक सकूं और फिर पूरा मन इंतजाम उन्होंने करवाए सरजीलिया ठीक बात है आप एग्री करते हैं जो प्रवेश साहब कह रहे हो कहते हैं हमने तो खुद रिकॉर्ड निकालें रिकॉर्ड निकाले वो भी आकर जिंदा रिकॉर्ड है सरजीलिया इस तरह नहीं देखिए वो हम सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के उनका काम है मुझ पर कोई इल्जाम तराशी करना मेरा काम है उन पर वो सच्चे आदमी आदमी बहुत अच्छे परील साहब बहुत अच्छे आदमी है मैं कदर करता हूँ लेकिन इस तरह नहीं देखिए ये टेलीविजन इसलिए नहीं है कि हम बैठ के मुर्गों की लड़ाइयां जो है वो करानी शुरू नहीं, नहीं हम है। ये भी चाहते हैं है, फैक्ट्स तो सामने आया फैक्ट्स ये है शहबाज शरीफ ने तशद की मजम्मत की हुई है या नहीं की हुई है हमने तक मजम्मत की और फिर ये भी मैं आपको बताऊ शबाज शरीफ साहब जब खुद मीनारे पाकिस्तान पे बैठ गए थे चल के ऐतजाज करने के लिए उसके बाद तशद के वाकत नहीं थे क्योंकि लोगों को यह तसली हो गई कि उनके ऐताजा में उनका चीफ मिनिस्टर शामिल हो गया जी शजील तो आप आप तो तो मालिक साहब पर नफीस और अच्छे आदमी मैं तो हमेशा इनकी इज्जत करता हूँ लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो इन्होंने तारीखी हकायक इस तरह बयान किए कि शायद मैं बिल्कुल अब नया आया हूँ सियासत में या आपने फर्स्ट टाइम जो है को एंकरिंग कर रहे हैं अगर पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देख लें उस वक्त हम भी जनवन प्रॉब्लम बताते थे बिजली ना होने के लेकिन जो ट्रेंड्स अफसोस के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए अपने प्रीवियस गवर्नमेंट में और जिस तरह लोगों को उकसाया गया तशद के लिए जिस तरह उसको मीडिया ने हाइप दी और उसी वक्त एक तरफ हमजा शहबाज़ साहब जो तो है मीडिया पर भी रैलियाँ निकाल रहे होते थे और और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कर रहे होते और इनफैक्ट पीएमएलएन के तमाम एम एन एज एम पी एज़ ने अपने अपने डिस्ट्रिक्स में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली इसी तरह मुजाहरे हो रहे होते थे और इसी तरह उस वक्त के जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की जो ऑफिसज़ थी उनको नुकसान पहुँचाया जाता था और गाड़ियाँ जलाई जाती थी और आज जब वही ट्रेंड जो आपने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है अगर लोग अब उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उन पर आप लाठियाँ बरसा रहे हैं मेरे ख्याल से ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है ठीक है हमें इल्ज़ाम तराशा नहीं करनी चाहिए हमें अब थोड़ा मच्योरिटी का मुजाह भी करना चाहिए लेकिन मैं वही कहूँगा कि उस वक्त भी अगर आप थोड़ा सा मेचोरिटी का मुजाह इनकी पार्टी करती तो ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं होते और ये ट्रेंड अब ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि जिस तरह इन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किए हैं जिस तरह ये प्रैक्टिस इन्होंने डाली हैं अब लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अब एक इल्ज़ाम एक इल्ज़ाम तराशी जिस तरह एक बहाना बन गए हैं जो इस्लामबाद में सिकंदर वाला वाक़ हुआ उसके बाद भी जिम्मेदारी जो है वो डाइवर्ट की जा रही है मालिक साहब कभी इंक्वायरी में अब मीडिया को डाला जा रहा है कि मीडिया की वजह से जो है ये सारा प्रॉब्लम हुआ और ये लिंगर ऑन हुआ और कभी जुमरत खान साहब खा पे ये इनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है तो अब मेरे ख्याल से वफाकी हूँ आपसे मैच्योरिटी की बात करना चाह रहा हूँ ये मेरा ख्याल था कि सब ने काफी कुछ सीखा होगा हमें मायूसी भी होती है ये आप सिंध में ही देख लें आज जो तमाशा हुआ है एक नोटिफिकेशन होता है फारूक नाइक साहब का एक घंटे बाद हो जाता है है ये क्या मजाक किस किस्म की चीजें हैं पंजाब के अंदर अगर बल वो उनसे बात करेंगे बिल आता है वो फिर अपोजिशन वॉकआउट करती है तो रात को पास करा लिया जाता है लेकिन अगर आप लोग भी एक एक घंटे के बाद नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं तो आप कितने सीरियस हैं हमें वो भी बता दें जरा देखें जी ये एक प्रोपोजल जेर गौर था कि फारूक नायक साहब एक तजुर्बेकार वकील रहे हैं तो उनको सिंध गवर्नमेंट का कंसल्टेंट मुकर कर दिया जाए और फिर शायद इसमें मीडिया में कुछ मुख्तल खबरें आईं कि इस तरह की बात मतलब शायद उसको थोड़ा मिस, को, मिस कोड भी किया गया है फारुना नाइक साहब वाली इसकी न्यूज़ को मैं समझता हूँ कि अगर एस एस बी के कंसल्टेंट उनको अगर मुकर किया जाए तो उसमें कोई कदरन कोई हर्ज नहीं है नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं आपको बताया था कि नोटिफिकेशन इशू हो गया फिर विद्रा हुआ है कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल तो ये मुझे बताएं हमारे यहाँ की प्रायरिटी क्या है आप, आप लोगों की हमारा अभी बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है काउंटर टेरिज्म का इशू है तालिबान के ऊपर हमारी बात होती है मैं ये दो तीन सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ कि आप अगर हम पंजाब में देख लें एक हिस्से में कर्फ्यू लगा हुआ है हम के पी के में देख लें हज़ारों लोग मर रहे हैं रोज़ बम धमाके हो रहे हैं कराची में पूरी पूरी आबादियाँ बे बेबल हुई अब वापस आ रही हैं ये सब कुछ हो रहा है और हमारी प्रार्टीज़ क्या हैं हम जुलूसों पर लाठीचार्ज हो रहा है हम आम आदमी को मार रहे हैं और ये जो इश्यूज हैं आपके जो वजीर हैं पंजाब के वोट के कह देते हैं फिर आपको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है क्या ऐसे हालात में जब इतनी ये मुल्क हालात फैले हों क्या आप लोगों की लीडरशिप से लोग ये तो कर सकते हैं कि वो सीरियस फ़ैसले कर सकें सीरियस इशूज़ पर चल सकें पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें ज़रूर चीज़ों को ए, मीडिया का काम है कि वो हाईलाइट करें सामने ले कर आएँ हुकूमतों की गलतियाँ जो हैं उनको बेनकाब करें लेकिन क्वांटम ज़रूर हमें देखना चाहिए जितनी एफर्ट ल, वॉर टेरर पे या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत जितनी एफर्ट्स करती नज़र आ रही होगी और सबाई हुकूमतें जितनी नज़र आ आ रही होंगी इतना वक्त वो किसी दूसरे काम को नहीं जिन वाक़ का आपने जिक्र किया है यकीन इक्का दुका वाक़ छोटे मोटे इस तरह के हुए हैं और ये भी वाक़ पाकिस्तान में ज़हर है कि कोई इन हुकूमतों ने जन्म नहीं दी पाकिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में अपना एक कल्चर प्रमोट होता चला आ रहा है क्या फ़िरका वारियत पाकिस्तान में आज तो पैदा नहीं करती गई ना उसके बीच पाकिस्तान में उसकी मैं अब तारीख से आप भी वाकफ़ हैं मैं भी वाकफ़ हूँ अनफॉर्चुनेटली हमें एक ऐसा पाकिस्तान मिला है जिसमें ये सारे वाक़ात हो रहे हैं लेकिन यकीन इन सारे वाक़ को कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता जैसे आपको ही अच्छे नहीं लगते मुझे भी अच्छे नहीं लगते जैसे मीडिया को अच्छे नहीं लगते इस तरह हुकूमतों को भी अच्छे नहीं लगते लेकिन यकीन इनको ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करते हैं और मैंने फिर आपसे कहा कि जब हम इनकी पॉजिटिव साइड देखते हैं तो अब ये मैं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो कुछ भी उसकी वजह हो लेकिन वजीर अला को कहना पड़ता है कि आप लोगों को रहा करें अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ता है कि ये नापसंदीदा बात मैं, है मैं इस पर सब, सब इन तो वाकत पर मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर चाहता हूँ सबसे इस आखिरी हिस्से में बात की जाए वो ये है कि एक इल्ज़ाम ये लगता है पहले बात होती कि जब पंजाबी तालिबान नाम की कोई चीज़ नहीं है आपकी गवर्नमेंट भी इसको डिनाई करती थी अब जो जो इशू बना है इस माविया के रिमूवल के ऊपर टी टी पी के ऊपर वो भी चीज़ सामने आ गई फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि पंजाब के अंदर उनको हमेशा प्रोटेक्शन दी गई रास्ता दिया गया इसलिए पंजाब के अंदर ना वाक़ हुए तालिबान के ज़्यादा ना बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए टोटल टोटल एक फ़ीसद बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए जो पूरे मुल्क में आज तक हुए और पाँच फ़ीसद सिर्फ हुई बजाय जो पूरे मुल्क में हिलाते हुई हैं ये और अब जो लेटेस्ट बात आ रही है आप पंजाब में भी हैं फेडरल गवर्नमेंट भी हैं हमारे साथ टी टी अपने पी टी आई की लीडर भी हैं आप दोनों का हमेशा सा बातचीत होगी और उसके बाद देखें सवाल आपसे मेरा ये है ब्रेक के बाद आपसे भी अंदलीप से भी और अपना शजील मेहमद साहब से भी अगर बातचीत होनी है लोगों से तो किससे होनी है किससे बात करेगी पी एम एल एन की लीडरशिप किससे बात करना चाहती है पीटिया किसी को पता भी है किसी से क्या बात करनी कुछ हमें यह तो पता है कि हमें कौन मार रहा है लेकिन हमने किससे बात करनी क्या हमारे लीडरान को पता है या नहीं पता इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेव जी शजील साहब मैंने ब्रेक में जाने से पहले एकदम तालिबान के ऊपर से बात की थी पसंदी पे ये मुझे बताएं कि क्या ये तरजीह नहीं होनी चाहिए आपकी भी बजाय इससे कि पता लगता है जी प्रेसिडेंट साहब के भाई वज़ीर बन गए हैं या नहीं बन गए नोटिफिकेशन बने हैं विद्रॉ हुए हैं नहीं हुए कि इस पर एक तमाम आप लोग सीरियस दो तीन इशूज़ हैं इस मुल्क के जो मज़बी तहा है महंगाई है और सिक्योरिटी का जो इशू है क्या आप अगर तालिबान के ऊपर आप और ये बैठ के आपके ख्याल में किससे बात होगी क्या होगा मालिक साहब अगर आप आज अपोजिशन लीडर सैद खुर्शीद शाह साहब की अगर तकरीर सुनते जो असम्बली में उन्होंने की है उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का साथ हैं और हमारा मुकम्मल तान है चाहे वो कोई एक्शन करें दहशत गर्दों के खिलाफ या उनसे कोई बातचीत करें तो अपोजिशन की तरफ से और मेरे ख्याल से एक मुकम्मल तौर पर हमने उनको एक मैंनेडेट दिया हुआ है कि जो भी काम अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और खसूस तौर पर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है तो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जो है वो उनका भरपूर साथ देगी लेकिन ए, अगेन सवाल ये होता है कि मैं माजी में बिल्कुल नहीं जाना चाहता ये ट्रेंड बिल्कुल हकीकत है कि डिक्टेटरों के अदवार से यहाँ दहशत गर्दी के अंबार लगे हुए थे और वो ट्रेंड स्टार्ट हुए थे लेकिन जब दहशत गर्दी के बड़े वाक होते थे तब पी एम एल एन की तरफ से कभी खुल के मजम्मत भी नहीं की जाती थी उन वाक़ात की या उन लोगों के खिलाफ खुल के बात भी नहीं की जाती थी मैं मजीद और इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि किस तरह के बयानार चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से आए थे खास तौर पर कि पंजाब पर हमले ना करो कि हम तुम्हारे नजरिए के हाम हैं और आज और जब हम उस वक्त ये कहते थे कि इनके साथ अगर आप आज नरम रवैया रख रहे हैं तो कल को ये लोग आपके भी गले में पड़ेंगे उस वक्त ये बात शायद समझ में नहीं आ रही थी और आज वो चीज़ साबित हो गई हमारी कही हुई कि ये दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं है इनके मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी करना है लेकिन अगर हुकूमत बातचीत के ज़रिए इनसे इनको हथियार डलवाने पर कामयाब हो जाती है तो हम समझते हैं कि कोई इसमें बुरी बात नहीं है लेकिन, लेकिन मेरे चो, मेरे एक छोटा सा एक्सपीरियंस जी जी मेरा है कि ख्याल ख्याल से 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 बातचीत मसायल हल नहीं होंगे क्योंकि ये लोग जो है पूरे इस वक्त मुल्क और पूरी कौम के दुश्मन बने हुए हैं इन्होंने पाक अफवाज पर हमारे मुसलमान भाइयों बहनों पर मस्जिदों पर इमाम क्लियर है इस मसले पे कौन दुश्मन है कौन दोस्त है क्या ये ये क्लियर है आपके ख्याल में मैं माजरत के साथ कहूँगा कि मुझे इस वक्त तक जो भी मतलब मैं इनकी कोई बदनीति नहीं है इनकी लीडरशिप भी शायद अपने हिसाब से ठीक सोच रही होगी लेकिन मुझे इनकी सोच से मैं एग्री नहीं करता पी एम एल एन और पी पी टी आई की लीडरशिप की खसूस तौर पर जो इनका स्टांस टेररिज्म के खिलाफ है उस पर मैं एग्री नहीं करता मतलब हो सकता है कि वो लोग सही हों लेकिन मेरी जती राय यह है कि इस तरह से मसले का हल नहीं है मसले का हल यही है कि को खत्म करना पड़ेगा पिछली एफर्ट्स अंद, हुकूमत भी ले यह तो रही है हमें बड़ी कंफ्यूज नजर आती आपकी पार्टी अब कहा खड़ी हुई इस मसले पे हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर बात करनी है तो हम किससे करेंगे मालिक ये बहुत अच्छा सवाल है और इसीलिए आपको पता है कि सबसे पहले बात क्या की इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि जी पहले सबको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लो कि पता चले कि जी ये क्या इंफॉर्मेशन किसके पास है कितने ग्रुप्स हैं किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आईएसआई के पास है आईबी के पास है एमआई के पास है इतने इदारे हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं साथ बैठे पहले एनालिसिस करें स्ट्रेटजी और पॉलिसी तभी फेल होती है जब एनालिसिस किए बगैर आप कह देते हैं कि जी जी मुजाकर कर लें या जंग कर लें और उसके बाद जब करने जाते हैं तो पता ही नहीं होता कि किससे करनी है या किसको हमने मारना है किसको हमने बचाना है तो सबसे पहले जो एक स्ट्रेटजी uh, का असूल है एग्जीक्यूशन में जाने से पहले आप उसका एनालिसिस करें तमाम जो कंस्ट्रेनिंग फोर्सेज है उसको सामने रखें, तमाम जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उसको सामने रखें, उसके बाद शतरंज की तरह उस अपनी खेलते है। इन्होंने हमें, आप क्लियर है पंजाबी तालिबान है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, आप है इस बात मैं के? कहती हूँ पंजाबी तालिबान छोड़ हर बंदा जो पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता पाकिस्तानी शहरी को नुकसान पहुंचाता है वो सारे के सारे के जो हैं वो नाकबले कबूल हैं तो ये तो बड़ी क्लियर हमारी स्ट्रेटजी साहब 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 अभी चौधरी सार ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोई शराय नहीं रखना चाहते खराब हो जाती हैं बातें बात बढ़ती नहीं है लेकिन मुझे याद है जब रेजोल्यूशन हुए थे नेशनल असेंबली के और दूसरे भी तो एक चीज बड़े वाजी आई थी कि उन लोगों से बात करेंगे जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और ये कंडीशन होगी कि आप पाकिस्तान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप मुझे बता दें कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं ऑप्शन है जाहिर है अच्छा ऑप्शन है इसकी बेसिक कोई बुनियाद तो होगी क्या है वो बुनियाद इसकी बुनियाद है कि हथियार रख दिए जाएं दहशत गर्दी ना की जाए कत्ल वारतगरी का सिलसिला पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए पाकिस्तान एक पुरमन मुल्क बन जाए एक महफूज मुल्क लेकिन बन जाए प्री कंडीशन नहीं, कहेंगे। मे, उनसे कोई मे, नहीं, मे, नहीं मे, करेंगे मेरी, प्री कंडीशन तो मैंने भी नहीं कही हथियार फेंकना तो है ना म, मैंने आपसे कहा कि हथियार फंकवाने के लिए हथियारों के जरिए बात मनवाने के अमल को खत्म कराने के लिए मैं कह रहा हूं ठीक मालिक साहब मैंने मैंने भी कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई देखिए हथियार उठे हुए हैं या नहीं उठे हुए अगर बातचीत के नतीजे में हथियार रख दिए जाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है और क्या ये अमल ऐसा है जो सिर्फ पाकिस्तान इस अमल को कर रहे है अमरीका भी इस अमल को कर रहा है दोहा में क्या कर रहे है अमरीका दोहा में मुखरत कर रहा है हालांकि उनकी तो कौमियतें मेरी सुन साहब हम आपकी बात मुकम्मल तफसील से सुनते हैं आपके सवाल को सुनते हैं उस उन सवालों के अंदर जो तीर होते हैं उनको भी बर्दाश्त करते हैं अब जवाब जो है ना जी जी अमरीका दोहा में मुखरत कर रहा है करजई साहब आज अफ़गानिस्तान के सदर हैं वो आए हैं उन्होंने भी कहा कि मैं मुजाक भी करना चाहता हूँ और इन मुझक में कुछ मेरी मदद कर सकते हैं तो आप भी मेरी मजाक में मदद करें तो जब सब लोग और फिर हम कहाँ नहीं मजाक कर रहे क्या हम अपने वतन में जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए मजाक की बात करते हैं हम अपनी सरहदों से बाहर के जो मामलाते हैं उन पर भी मुझाकर करने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी कहते हैं क्या मुत वियतनाम में मुक्रत नहीं हुए थे क्या आयरलैंड में मुझात नहीं हुए थे देखिए दुनिया की हर जंग खब जस्टिफाइड जंग थी या अनजस्टिफाइड जंग थी हर जंग का खात्मा मजाक पे होता है और आखिर में मुकर दोनों अफ्रीकों का करने पड़ते हैं दोनों अफ्रीकों में कौन ठीक है कौन गलत है इसका तैयार ही नहीं क्लियर था अगर आप आयरलैंड की बात तो करते हैं आपको तो पता था आपने आयरे से बात करनी है अगर आपने वियतनाम में बात करनी थी आपको पता था हो चुम कंपनी से बात करनी है यहाँ तो पे तो यहाँ तो तो... कोई दुश्मन का पता है वो हर जब बात होती कहती थी पच्चीस ग्रुप में आप किससे करें फिर मुझे ये बताइए कि यहाँ तो सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक है लिहाजा उससे भी ज्यादा ज़रूरत है कि हम इस पर पूरी तवज्जो दें हम इसमें टेलीविजन की मीडिया की बहसों में ना उलझें हम इसके मसले के सोलूशन की तरफ जाएं 25 ग्रुप छोड़ के अगर 50 ग्रुप भी अगर होंगे हम पचास के साथ बात करने को तैयार हैं सर एक एक सवाल मैं आपसे कर लूँ नाम मैं नहीं ले सकता मेरी बहुत ही सरकरदा सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई फौजियों से भी पुलिस के भी और पंजाब पुलिस से बात हुई उन्होंने कहा जी हमारी कैपेसिटी है हमें जो मज़बी इंतसाब पसंद हैं हम इनको भी लपेट सकते हैं हम जो से पंजाबी तालिबान के ग्रुप हैं हमें कुछ फडे वडे होंगे लेकिन हम लपेट सकते हैं हमें जो ऊपर की क्यादत है हमारी उसको हौसला नहीं पकड़ता उसमें वो हिम्मत नहीं है करने की इस बात में कितनी हकीकत है मलिक साहब नाइनटी सेवन टू नाइनटी नाइन हौसला हम में था या नहीं था हमने करके दिखाया था ये नहीं करके दिखाया था उस वक़्त भी इसी तरह अमाम बारगाहों पर हमले होते थे मस्जिदों पर हमले होते थे ये शबाज़ शरीफ साहब की पंजाब में हुकूमत थी जिसने उसको ख़त्म कर दिया था उस जमाने में हौसला सब में है लेकिन अब ये मसला उससे ज़रा ज़्यादा पच्चीदा हो चुका है ज़्यादा गहरा हो चुका है गरेबान तो उनके पकड़ने चाहिए ना जिन्होंने 12 साल में इस फसल को तैयार करके इतना बड़ा कर दिया कि अब हम में से हर एक को वो उनके कांटे निस्तर की तरह चुभ रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि चले माजी में जिन्होंने गलतियां की वो गलतियां अब हमें मुझे भी और आपको दोनों को भुगतना पड़ रही हैं पूछते हैं शर्जील साहब आप लोग पाँच साल हुकूमत में रहे आप क्यों फसल उगाते रहे नफरतों की क्यों नहीं कुछ किया आपने जैसे प्रवेश साहब ने कहा है मालिक साहब मेरे ख्याल से ये आप बड़े जाती कर रहे अगर ये कह रहे कि हमने फसलें उगाई है मेरे जो इसका निशाना वो पाकिस्तान पार्टी बनी है क्योंकि अक्टूबर को मोहतरमा आई तो उनपे अटैकों ने हमारी अपनी आपको वही बता रहा हूँ अभी किसी पर नहीं जाना चाह रहा लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये माजी के तोहफे हैं चाहे क्लेशन कोफ़ कल्चर जनरल जावलक ने दिया हो या इस वक्त जो ये खुदकश बम्बारों का कल्चर जनरल मुशरफ छोड़ के गए ये सारी चीज़ें इस वक्त इस पूरे मुल्क इस चीज़ की लपेट में है और तमाम पार्टीज़ को सिंसेरली इस पर जो अपने एफ़र्ट्स करने होंगे गवर्नमेंट का मेन काम है गवर्नमेंट आगे है और पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल एक सपोर्ट का ऐलान किया है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ होगी जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म करने में अगर पी एम एल एन की गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी लेकिन ये हकीकत है कि ये इस वक्त इतनी बुरी तरह स्प्रेड हो चुका है ये गली गली कूचे कूचे में चीज़ें पहुँच चुकी हैं जिसके सम्राज पूरे मुल्क में चल रहे हैं और कराची में भी कराची एक बड़ा शहर है कराची में भी मुख्तलिफक्टर्स हैं इन चीज़ में तो सब इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और मैं आपको एक बात बिल्कुल कतन बता दूँ कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह की चीज़ें हों और गवर्नमेंट जो इस चीज़ इस तरह के एलिगेशन को फेस करे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में भी ये प्रायोरिटी है और मैं समझता हूँ बलिस्तान में भी ये प्रायोरिटी होगी हो पंजाब में भी होगी केपी के में पी टी आई की होगी लेकिन उसके लिए सबको सिंसियर एफर्ट्स मजीद करने की जरूरत है और जो माजी में पिछले पांच सालों में एक चीज होती रही वो कोई पार्टी ना दोहराए कि कभी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना या जब उनकी बड़ी कार्रवाइया हों तो उस पर खामोशी इख्तियार करना हम अगर कोई बुरा काम होगा मुझे बता दें एक तरफ आप कहते हैं कि हम सारे एक्शन लेंगे जो हमें लेना पड़ेगा हम डरने वाले नहीं हैं सजाए मौत में तो दर, अमल दरामद आपको एक धमकी आप लोगों ने हट गए वहां से जो अदालत ने भी दे दिया सब ने दे दिया अगर आप कन्विक्टेड टेररिस्टों को फांसी नहीं लगा ये, ये, सकते ये, तो आप तो जिंदा को क्या आ, करेंगे? आप ये भी तो पूछिए ना कि इस सजाए मौत के फैसले तो पांच साल पहले के हो चुके थे पांच साल तक क्यों नहीं दी गई सजाए मौत यह भी तो पूछिए ना कि पांच साल तक आप लोग पांच साल तक तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना जी मैंने अब तो अभी है ना। ये सबको मालूम है सदर पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस मसले पर वजीर के साथ इसका उस धमकी से जंग से कोई ताल्लुक नहीं इसका किसी किसी देखिये रियासत को कोई धमकी नहीं दे सकता रियासत को अपने कवानीन पर अमल कराना है और रियासतें अपने कवानी पर अमल कराती हैं इसी उम्मीद के साथ क्या आप अमल करवाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आ, शजीर साहब आपका बहुत शुक्रिया आप अंदलीब आपका बहुत शुक्रिया नाजीन दो बातें वेरी क्विकली टाइम बिल्कुल नहीं है एक तो यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी बंद होनी चाहिए धान लिया वहाँ अगर 22 केस जिस पे चले होंगे बाचा खान पे और उसको पीटीआई इलेक्शन लड़वाएगी एन ए वन में तो वो तो हारेगा पंजाब के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट है इनको भी अपनी पंजाबी माचोइजम जो हंसी है उसको रोकना पड़ेगा और तशद से हाथ रोकना पड़ेगा सिमिलरली पी 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 को भी अब विद द हाउंड रनिंग विद द हेयर नहीं करना पड़ेगा उनको भी क्लियर पॉलिसी स्टैंड लेने पड़ेंगे और कोर्ट्स को बजाय इसके कि मीडिया को इस बात पे, पे पेनलाइज करवाया जाए कि उन्होंने किसी गंदी एक हकीकत को दिखाया है उनको जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए कि जिनकी नााहली को वैसे ऐसे, ऐसे वाक़ होते हैं और पाकिस्तान की जो प्रायरिटी है वो है मज़बू इतहा पसंदी महंगाई लॉ एंड ऑर्डर इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का भी हम सब का बजाय इसका ये जुलूसों पर लाठियाँ चलाना ना पहले इससे कुछ निकला ना आइंदा कुछ निकलेगा। वी ओनली होप कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो अपनी प्रायरिटीज़ चूज़ करें और हमें अंधेरों से निकालें इजाज़त दीजिए अल्लाह